नीचे हमारे फ्लैट में एक भाभी जी जो हैं वो छठ पूजा कर रही हैं, तो उनके घर से हमारे लिए भी निमंत्रण आया है कि छठ पूजा है, सबको घाट पर चलना है। तो हमारे घर की पूजा पाठ हो चुकी है, अब हमने नहा लिया है और साड़ी पहन ली है। देखिए हमने मरून कलर की साड़ी पहनी है और हम तैयार हो गए। जब जल्दी में हम तैयार होते तो बस ये हम लंबा वाला मंगलसूत्र नगरी डाल से लेते आप हैं। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जो है फ्लैट में, हमारी एक नीचे दीदी जी रहती हैं, उनके यहाँ छठ पूजा है, उन्होंने बुलाया है, तो हम छठ पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं उनके यहाँ छठ पूजा। सभी लोग देखिए नीचे तैयार होकर के आ गए हैं। सब लोग तैयार हो गए हैं, फटाफट से घाट की तरफ चल रहे हैं। घाट हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए गली आ गई है, सड़क उस पार तुरंत जाइए, गली आ गई है। गली से जैसे नीचे उतरेंगे तुरंत घाट पड़ जाता है। देखिए अब ये दीदी लोग जल्दी जल्दी सब आगे आगे चली गई, हमारी फ्लाइट की जितनी भाभी दीदी हैं सब, और हम पीछे रह गए क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। थोड़ा संभल संभल कर चल रहे हैं कि कहीं पता चले कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, हम गिर ही ना जाएँ, इसलिए थोड़ा संभल संभल के चल रहे हैं क्योंकि इधर घाट का रास्ता उतना अच्छा नहीं है। भारत के टाइम पे उतरे हुए ना। अरे आंटी तो नाम नहीं बैठ गई कहाँ जा रही है नाव आपकी? कहाँ लेके जा रहे हैं नैया वाले? नैया रामनगर में खड़ी है, रामी नगर ले जाएंगी। ये तो ठग रहा है नाव वाला, ये नाव वाला बड़ा ठग्गू है। जाएगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ खुले का लेकिन चलिए आप बढ़िया चलिए तो इस साइड में वो देख रही है। ऋषा ने आगे थोड़ी बस थोड़ी सी आगे जाइए आंटी, हाँ रुक जाइए रुक जाइए, बस बस हाँ हाँ बस वही वही बस बस खाली थोड़ा सा बस वही हाँ, नहीं तो आगे जाएंगे कहीं नहीं अंदाज मिला तो फिर हाँ ये ठीक है। जय करते गंगा में, हम कोई पैर नहीं रखते, पहले जय करो पानी से, जय करो पानी से, जय करो पानी को छुपो ऐसा नीचे आना, वहां से दिख नहीं रहा लोगों को, बैठ जी बैठने का जगह तो मिली है। अरे आंटी क्या कर रही है आंटी? सुपर आंटी ऋषि का बोलूं तो बढ़िया रहेगा। अभी मग्गा ना नहला
आप लोगों ने देखा सब किस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे हैं, इस प्रकार से मिलजुल कर कोई त्यौहार मनाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये दीदी जी जो हैं ये अपना मतलब गंगा जी में स्नान कर रही हैं और सब ये देखिए मस्ती में लगे हुए हैं। ओके बस चली डायरेक्ट नैया बैठ गई। उधर देखो इसमें बबली पीछे नई बहू आई है विदाओं की। अभी गुड़िया को ले लो तो काफी शर्मीली बहू है भाई। आप लोगों ने देखा सब कैसे छठ पूजा भी हो रही हंसी मजाक भी कर रहे हैं। और ये देखिए सामने घाट पुल है, ये पुल हमारे घर के बिल्कुल सामने उतरता है और सभी लोग लगे हुए हैं छठ पूजा देखने में। ये तो गंगा मैया की गोद में ही बैठ गई हैं और अब बाकी लोग नैया पे बैठ गए हैं और भाभी जी जो हैं वो गंगा जी में खड़ी हो गई हैं और सूर्य नारायण की प्रार्थना कर रही हैं। और पहले ये लोहा जो कि आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये जो है इसके आगे भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी देखिए कुछ लोग छठ पूजा कर रहे हैं और गाजा बाजे की खूब आवाज़ आ रही है। और ये देखिए गंगा जी कितना दूर तक पूरे दूर तक एकदम चंद्र के आकार की बह रही हैं। इसके बाद सामने जो आपको किला दिखाई पड़ रहा है ये रामनगर के बनारस के जो राजा थे वो रामनगर लगता उस वहाँ पे उनका किला था। इसी किले में ये लोग पहले पूरे परिवार के साथ रहते थे और इसका पीछे का ये हिस्सा है, आगे का हिस्सा रामनगर में खुलता है, ये पीछे का हिस्सा जो गंगा जी में खुलता है और इसी से रानी जी लोग जो थी वो नहाने के वगैरह के लिए इधर ही दरवाज़ा बना हुआ है। देखिए बड़े बड़े पिलर लगे हुए गंगा जी के बीचों बीच में गंगा मैया बह जा रही हैं इतनी सुंदर लग रही हैं। और अस्त होते हुए सूर्य की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ रही है किरणें तो बहुत अच्छी लग रही हैं। पहले यहाँ पे जो ये देखिए और लोग भी जो हैं दीदी लोग बैठी हुई हैं सब सूर्यास्त का इंतजार कर रही हैं और अपनी भाषा के मंगल गीत गा रही हैं, जो भी अपनी भाषा में गाए जाते हैं छठी मैया के गीत वो गा रही हैं। गंगा जी देखिए कैसे हिलोरे मार रही हैं, कैसे बह रही, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग छठ की पूजा करते हैं व्रती लोग जो होते हैं वही लोग गंगा जी में जाके खड़े होते हैं और सूर्य नारायण की तरफ मुँह करके खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। ना ना निकलिए इन बात सब छठ कर लेंगे साथ इनको देखो ये कितना घबरा रही है गंगा माई। बच्चे भी बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं मम्मी के साथ साथ आ करके, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी बैठो 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 अरे गोदी सब बढ़िया बढ़िया छठी माता के गीत गाने में लगे हुए हैं। अब देखिए एक नैया देखिए कितनी बड़ी सी ये नैया आ गई है और इसमें कुछ लोग बैठ रहे हैं,
यहाँ से इन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी होगी। ये नैया जो है सीधे अब इन लोगों को ले जाएगी दशाश्वमेध घाट, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और ये लोग अपना नाव के रास्ते से जाएंगे। ज़्यादा अच्छा है, ट्रैफिक से भी बच जाएंगे और सीधे जाके घाट पे हो जाएंगे। वहाँ पे इन लोगों को आरती दिखाई पड़ेगी और यहाँ से जाते हुए ये पूरी बनारस की खूबसूरती भी देख लेंगे। नाव के सहारे सहारे रास्ते रास्ते जाएंगे तो सारी खूबसूरती इनको दिखाई पड़ेगी और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छा लग रही है, नैया में बैठे हैं, चारों तरफ गंगा जी हैं, बीच में नैया है और नैया में सब बैठे हैं। ये लोग भी गाने वाने में मस्ती करने में लगे हैं, कोई फोटो खिंचा रहा, कोई सेल्फी ले रहा है। नैया वाला इन लोगों को लेके देखिए कैसे चला जा रहा है, अब काफी दूर चली गई है नैया और इस तरह से घुमा करके लेके चला जा रहा है, कितना तेजी से, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। और सीधे ये दशाश्वमेध घाट ले जाएगा, जहाँ पर आरती होती वहीं पर ले जाएगा। सारे घाट लेते हुए यहाँ से दशाश्वमेध घाट 2.5-3 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अब देखिए ये नहीं, ये भगवान गंगा जी मैया कैसे बह रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा, वो नैया चली गई। सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं, सभी लोग जो है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए नैया पर से उतर रही हैं, क्योंकि एक एक बार करके सब लोग जो है सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और जो भाभी जी हैं इन्होंने अर्घ देना देखिए शुरू कर दिया है। अब सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके सब लोग जो है अर्घ देंगे। जो उन्होंने सूप में फल और सब ले रखा है उसी में अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए अभी रश्मि दे रही है, फिर ये सुमन भाभी देंगी, सब लोग अर्घ सूर्यनारायण भगवान को देंगे। कहते हैं बहुत अच्छा होता है सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देना। डूबते हुए सूरज की पूजा करी जाती है और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ही सूर्य भगवान को जो जल दिया जाता है वो पश्चिम दिशा की तरफ दिया जाता है। और ये देखिए गंगा मैया जो है कैसे बह रही है, कितना अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह जो दिख रही है ये पूरी यहाँ से लेकर के राजघाट तक की आपको लाइटिंग दिखाई पड़ रही है। अब सभी लोग इस तरह से सूर्यनारायण भगवान को जल दे रहे हैं। ये जो देखिए प्रसाद वगैरह लिया दीदी जी ने, इसी में जल दे रहे हैं। सब अपनी अपनी बारी से एक एक करके जल देंगे। अब जो है हम लोगों ने इस प्रकार से छठ मैया की पूजा करी है, अब छठ मैया की पूजा हो चुकी है। अब जल में से भाभी जी जो है बाहर आ रही हैं, इसके बाद जो है अब हम लोग घर की तरफ चलेंगे। देखिए और कहते हैं कि इन जो व्रती रहते हैं इनके कपड़े धुलना, इनको नहलाना, इनकी उस दिन सेवा करना बहुत मतलब पुण्य का काम होता है। तो सब अपना पुण्य कमाने में लगे हुए हैं, देखिए कपड़े वपड़े धुल रहे हैं उनके। अब ये अपने मतलब डाले में जिसमें सामान रखा है इसको लेकर के अपने घर की तरफ चल दिए हैं। अब हम लोग भी अपने घर की तरफ चलेंगे। अब देखिए सब लोग ये दीदी जी के जो हैं पैर छू रहे हैं, मेरे मुंह से कभी दीदी जी निकल रहा है, कभी भाभी जी निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। इसके बाद जो है सब अब घर की तरफ चल दिए हैं। देखिए कोई सेल्फी खींचने में लगा, कोई फोटो लेने में लगा। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी। इस प्रकार से हम लोगों ने गा करके खुशी खुशी से छठ मैया की पूजा करी। अब हम लोग सब लोग घर की तरफ चल दिए हैं, सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल दिए हैं। देखिए हो गई हमारी छठ पूजा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा के भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुनिए अब चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़।